वहीं नगर पालिक निगम भिलाई लगातार एक्शन मोड में दिख रहा है और शहर भर में लगे हुए अवैध होर्डिंगों पर कड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को नेशनल हाईवे सड़क के किनारे लगे अवैध होर्डिंगों को धराशायी किया गया। बीते कुछ वर्षों से नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में अवैध होर्डिंग की बाढ़ सी आ गई थी और यह सभी होर्डिंग लगाने वालों के लाइसेंस कई वर्ष पूर्व ही खत्म हो चुके हैं। बावजूद इसके नगर निगम भिलाई को यह लोग राजस्व का चूना लगा रहे थे, जिस पर नगर पालिक निगम भिलाई ने खुद को एक्शन मोड में डाला और अवैध होल्डिंग के मालिकों पर गाज गिरना प्रारंभ हो गया। तब से अवैध होल्डिंग को धराशाही करने का कार्य लगातार जारी है। बावजूद इसके शहर में अभी अनगिनत अवैध होल्डिंग लगे हुए है, और तो और अब प्रतिष्ठानों के मालिकों ने एक नया तरीका भी इजाद कर लिया है, जिसके तहत चलते फिरते होर्डिंग बोर्ड लगाए जा रहे हैं जो हर 3 दिन में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। निगम प्रशासन जिस तरह से अवैध होल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वैसे ही उन प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है जो नगर पालिक निगम को बगैर शुल्क दिए अपने विज्ञापन के बोर्ड शहर में इधर उधर घुमाते फिर रहे हैं। गुरुवार को ही कार्रवाई की जानकारी निगम भिलाई के तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी ने मीडिया को दी। जो अवैध होल्डिंग लगी हैं, आयुक्त महोदय, अपर आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार अवैध होल्डिंग को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसका निर्धारण कैसे होता है कि कौन सी अवैध होल्डिंग है और कौन सी वैध है? सबको नोटिस जारी हुआ था जितनी भी एजेंसी है, और भरपूर समय दिया गया था कि हटा लेने के लिए, और पीरियड खत्म होने के बाद में आदेश दिया गया है। तो तोड़फोड़ दस्ता जोन GIRO के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर पहले मुख्य मार्ग G रोड के दोनों तरफ की होल्डिंगें हटाई जा रही, उसके बाद जैसा आदेश रहेगा फिर अंदर भी कार्रवाई की जाएगी। बालकृष्ण नायडू, AR तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी। निगम भिलाई की नई शहर सरकार के मुखिया नीरज पाल के महापौर पद पर काबिज होने के बाद इन कार्रवाइयों में तेजी आई है। धीरे धीरे ही सही पर शहर अवैध होर्डिंग से मुक्त होता जा रहा है और शहर की शोभा एक बार फिर दिखने लगी है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।